एफपीओ और बॉन्ड की वापसी के बाद हम सभी ने अडानी के शेयर्स को धड़ाम से गिरते देखा है। खरीदने वाला कोई नहीं था और निवेशक बदहवास होकर शेयर बेचने में लगे थे। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट ने अडानी के शेयर्स को अर्श से फर्श पर ला दिया। अडानी के शेयर्स में निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। हालांकि बीते हफ्ते के आखिरी दिन अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स का शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ था। अब सबकी निगाह सोमवार के ट्रेड पर लगी हुई है। सवाल ये है कि क्या अडानी के शेयर्स में बिकवाली पूरी हो गई है और क्या अब रिकवरी देखने को मिलेगी? क्या ये अडानी के शेयर्स में पैसा लगाने का अच्छा मौका होगा? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। इंडिट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, इस समय अडानी के कुछ शेयर्स निश्चित तौर पर ओवरसोल्ड दिख रहे हैं। जिस स्तर से वे गिर गए वहां से कुछ रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि खतरा टल गया है अभी जल्दबाजी होगी। हमें वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। निवेशकों को हमारी सलाह है कि वे सावधान रहें। इंट्राडे ट्रेड्स ठीक है, लेकिन आपको फंडामेंटल पोजीशन लेने से पहले इंतजार करना चाहिए, या फिर आप SCC, अंबुजा या अडानी पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो वहीं CNI रिसर्च के CMD किशोर ओस्तवाल कहते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनियों का मार्केट कैप 24 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 10 से 12 लाख करोड़ रुपए आ गया है। मीडिया बता रहा है कि गौतम अडानी का नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कैप का गिरना नुकसान नहीं होता है। मैं शर्त लगाता हूं कि कितने भारतीय उद्योगपति 1 लाख करोड़ रुपए का भी बाजार पूंजीकरण बना सकते हैं। 30 साल बाद भी इंफोसिस साल दर साल मजबूत विकास के बावजूद अभी भी 6.5 लाख करोड़ रुपए पर है। रिलायंस एक है जो 17 लाख करोड़ पर है, वो भी अडानी ग्रुप के 24 लाख करोड़ रुपए से काफी नीचे था। ओस्तवाल आगे कहते हैं कि एक दशक पहले सन फार्मा ने रिलायंस का मार्केट कैप पार किया था। ये बहुत कम समय के लिए था। उसके बाद कंपनी का शेयर क्रैश हो गया और इसे वापस पैरों पर खड़े होने में एक दशक लग गया। इस बार ये अडानी है। अडानी रिलायंस से आगे निकला और अब उसके शेयर भी क्रैश हो गए। इस समय अंतर ये है कि अडानी 24 लाख करोड़ रुपए का ग्रुप था, रिलायंस से काफी ज्यादा बड़ा। यहाँ से अडानी ग्रुप के शेयर बाउंस हो सकते हैं। उस सवाल कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। मूडीज का कहना है कि 2025 से पहले कोई कर्ज बकाया नहीं है। रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि कैश फ्लो पर कोई प्रभाव नहीं दिखता। बैंक्स और LIC का कहना है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी इसी तर्ज पर बयान दिया है। गोल्डमैन सैश ने बॉन्ड्स पर बाय की रेटिंग दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।